हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स व्लॉग। इस चैनल पे हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में पढ़ा और उसका सारा वीडियो लेक्चर आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। तो आज का क्लास जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको आज जो समझना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना है। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इस पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। ठीक, जैसे कि हमारे पास में कोई सिस्टम है, ये सपोज कीजिए इस सिस्टम पर हमने वर्क किया। क्या किया? वर्क किया। वर्क करने के बाद आप के दिमाग में आया होगा कि वर्क जो हमने उस पर किया तो वो एनर्जी गई कहाँ। वर्क करना दैट मीन्स किसी को एनर्जी देना। हमने इस सिस्टम पे वर्क किया, किसके द्वारा किया? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। इस पर फोर्स लग, वर्क करना दैट मीन्स फोर्स लगाना। फोर्स लगाया तो इसमें हो सकता है डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर हो सकता है इसके शेप साइज में चेंजिंग हो जाए वर्क लगाने से, इसके पोजीशन में चेंजिंग हो जाए। तो वर्क लगाने के बाद इसके पोजीशन में, शेप में, साइज में जो चेंजिंग हो जाता है, ठीक है, वह शेप और साइज में चेंजिंग करने के लिए जो हमने वर्क लगाया वह इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अब हमने जो इससे पहले आपने फोर्स के बारे में भी पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं जो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप जैसे ए से बी तक कोई वर्क किए, आराम से समझिएगा इस टॉपिक को, आप ए से बी तक वर्क चाहे ऐसे कीजिए, चाहे ऐसे कीजिए, चाहे ऐसे कीजिए, चाहे ऐसे कीजिए, आपको जिस वे में करना तो उसका वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वह पाथ पर डिपेंडेंट नहीं करता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या करता है? पाथ पर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सबसे पहले उसको समझिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स जो कि अपोजिट टू लगेगा कंजर्वेटिव फोर्स,
अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स के, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सिस्टम, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन कोमा पोजिशन ऑफ एनी सिस्टम दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस बात को समझ लीजिए, मैंने क्या बोला, ये एग्जाम्पल है वर्क अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है, आप समझ गए होंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन पोजिशन ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, मतलब किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, पोजिशन को चेंज करने के लिए जो वर्क डन करते हैं, दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वह वर्क डन जो है किस रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका क्या बात है, अब बताइए कि अगर आपने वर्क किया, अगर इसमें चेंजिंग हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगा, इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी का मिल जाना दैट मींस उस काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आ जाना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो जो वर्क हमने किया है पूरा का पूरा इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वर्क डन जो होता है, जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है, मतलब एनर्जी एक दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अगर हम इसको वेलोसिटी दे देंगे तो ये जो हमने वर्क किया है उसका कुछ पार्ट जो है किसमें चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाह रहे हैं वो डिफाइन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो हमें इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह किया है वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम किए, अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन किसका, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज, उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप एंड साइज को, या फिर उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए, तो वो टोटल वर्क डन जो है किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसे ही कहते हैं टोटल वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एक फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, कब, यदि उस वर्क के करने में कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो। ये बात तो समझ गए, इसका मतलब सीधा है कि अगर मान लिया जाए इसका पोटेंशियल एनर्जी, सपोज कीजिए कि यू इनिशियल कुछ है, आपने वर्क लगाया और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ए बी सी डी, इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो करके यूएफ हो गया, ठीक है, तो यानी कि वर्क डन, यानी कि आप कह सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वही तो आपने लिखा है ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर कह सकते हैं अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स, आप अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स दैट मीन्स माइनस
कंजर्वेटिव फोर्स को सी से लिखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कह सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसको है? जिसका वर्क अनुपात पे डिपेंड करता है। बात क्लियर? तो यानी कि यू फाइनल, इसको हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस में। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, हमने क्या कहा है, वर्क इनर्जी थ्योरम से हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस बात को ही समझ लीजिए, अगर आपने एक्सटर्नल एजेंट लगाया और इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंजिंग हुआ, एक्सटर्नल एजेंट और कंजर्वेटिव फोर्स लगाने से क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो कंजर्व होगा, तो वो एनर्जी किस रूप में ट्रांसफर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। इस तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग, दैट मीन्स डेल्टा के ई। अब हमने कंडीशन क्या लिया है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स डेल्टा के ई क्या है? जीरो है। यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो, यानी कि कह सकते हैं डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ये हमने पीछे के क्लास का रिव्यू करवाया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब हम जो ये चीज पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जो वर्क डन किए कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, अगर इलेक्ट्रिक, अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो वो सारा वर्क डन क्या होगा? किसी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिस सिस्टम पे हमने वर्क किया। तो अब आपको समझ में आ गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी पार्टिकुलर नहीं होती है, सिस्टम का होता है। किसी सिस्टम का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जैसे सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है किसके लिए? सिस्टम के लिए। कोई भी सिस्टम है जिस पे हम वर्क करेंगे, उस पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है यह भी है नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। बात क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम ऑफ चार्ज चाहिए। यह बात क्लियर? अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखना है, तो आप सिर्फ इसको हटा दीजिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मीन्स उस कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। टू चेंज दैट कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कब? इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप लिख सकते हैं, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी आप डेफिनेशन समझ गए, ये सारा चीज समझ गए, ये भी आप समझ गए कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स इनिशियल, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये था, फाइनल वो हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर कह सकते हैं वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां तक बात क्लियर? अब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी आप पढ़े होंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है? इनिशियल एनर्जी किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का जितना है उतना ही फाइनल एनर्जी होगा, समझ मारा? अगर कहीं एनर्जी लॉस नहीं हुआ है तो, समझ मारा? तो ये चीजें हैं। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन और ये तमाम चीजें।
अब हम लोग आगे देखते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन क्या होगा, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात तो आपको पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वह डिफाइन है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। अभी आपने जाना कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं किसके लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। तो सिस्टम ऑफ चार्जेज में क्या है? अब हम करते हैं क्या, हम इन्फिनिटी से चार्जेज को लाते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई Q1 Q2 मतलब चार्ज इन्फिनिटी पे है। ठीक है, हम किसी पोजीशन पे लाते हैं, हम जिस पोजीशन पे लाते हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ये हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म है, इसका ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 को उठाया। ठीक है, एक बार आप पीछे अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह वर्क डन है। क्या है? वर्क डन है किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बाय क्यू नॉट, जिस चार्ज को हमने उठाया है, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक्सटर्नल फोर्स दैट मींस ये एक्सटर्नल फोर्स कब लगाए हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट में लगाया है, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के अपोजिट में लगाया। बात क्लियर है? अब आप ये सोचिए कि अगर हम इस चार्ज को, Q1 चार्ज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, इस चार्ज को उठा करके सपोज कीजिए हमने यहां पर लाया R1, इसका नाम दे देते हैं R1, इस पॉइंट पे हमने लाया, इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं R1 वेक्टर है। इस चार्ज को यहां तक लाने में क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? सोचिए, वर्क डन क्यों करें? सबसे पहली बात है, वर्क डन जो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स करना पड़ता है। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ही नहीं है, कोई चार्ज रहेगा तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होगा, यहां कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स नहीं है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ही नहीं है तो उसके अपोजिट हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाने का जरूरत भी नहीं है। मतलब कहने का हुआ कि फर्स्ट चार्ज को लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? इसका रीजन यह है कि यहां पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है तो हम क्यों वर्क करें? आपको पता है कि पोटेंशियल जो डिफाइन होता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाने में या फिर किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क डन को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर तो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो हम किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे?
यानी कि कुल मिलाकर के बात यह हुई कि फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बात यहां तक क्लियर। हमने इस चार्ज को यहां पर ला करके रख दिया। अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी हमें डिफाइन करना है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, दैट मींस एटलीस्ट टू चार्जेज बी अवेलेबल, टू चार्जेज शुड बी अवेलेबल, देन क्यू टू चार्ज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू दैट पॉइंट आर टू। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी। अब सोचिए कि जैसे ही हम इस क्यू चार्ज को यहां पर लाए, जैसे ही हमने इस क्यू चार्ज को लाया, अब इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या क्यू वन चार्ज यहां पर आ गया, तो अब खुद सोचिए इस चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा या नहीं होगा? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होंगे। क्या अब चाहेगा कि ये चार्ज यहां पर आ, ये अब जो है Q2 चार्ज को यहां पर लाने में हमको अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब इसके द्वारा जो वर्क, इस चार्जेज के द्वारा जो फोर्स है, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके हमें इसको लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अब इसको लाने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये भी है। चलिए अब यहां चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहां पर भी से लिख देते हैं, वर्क डन बाय इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू वी लिख सकते हैं। यहां समझिए क्यू नॉट इन टू वी लिख सकते हैं, इस वी को इधर कर दिए। अब ये क्यू नॉट क्या है, जिस चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं वो चार्ज, जिस हम इस बार किस चार्ज को कैरी कर रहे हैं, क्यू टू को, क्यू वन को हमने लाके रख दिया, Q2 को हम कैरी कर रहे हैं। Q2 को हमने कैरी किया यानी कि Q0 के स्थान पे Q2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये भी किसका है, इस बात को भी समझिए, ये भी किसका है, तो ये भी इस चार्ज का पोटेंशियल है इस पॉइंट पे। बात समझ में आए? Q0 इन टू भी लिखेंगे, Q0 तो मतलब, Q0 मतलब जिस चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं, कैरी करने वाला चार्ज तो Q2 है। अब भी किसका लें, भी उसका लेंगे जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जिस चार्जेज का है, यानी किसका। अब आपको पता होगा कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा। आपको ये भी पता है कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो कि उस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, के क्यू, जिस चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, बाय डिस्टेंस। क्या कोई दिक्कत? यहां से हम इस डिस्टेंस को लिखें तो ए से बी का डिस्टेंस हो सकता है आर टू माइनस आर वन, इसी लिख सकते हैं, ए बी डिस्टेंस, आर टू माइनस आर वन लिखिए, इसको आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? या आर वन टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए हमने आर लिख दिया यहां पर, कोई दिक्कत यहां पे? इस डिस्टेंस को हमने आर ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा क्यू क्यू टू इंटू भी, भी कितना लाए, के क्यू वन, चार्ज क्यू वन है, बाय आर, आर इसका डिस्टेंस। अब कह सकते हैं यहां पर लिखिए, सबसे पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर, इस बात को हम लिखते हैं अब,
समझ गए होंगे। चलिए इस बात को साइड में लिखते हैं, इसको फिगर साइड में बनाना चाहिए था, बन गया, बीच में तो थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, लेकिन लिखते हैं। चलिए साइड में देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, चलिए दिख रहा है। हम लिखते हैं वर्क डन इन विरिंगिंग फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज क्या है? Q1 है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। वर्क डन इन विरिंगिंग फ्रॉम बाय किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। इज इक्वल टू क्या कहिएगा? जीरो। फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डब्ल्यू क्यू वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लॉन्ग बेज आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड अगेन, एंड अगेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज। अब सेकेंड चार्ज को लाना है। सेकेंड चार्ज क्या है हमारा? Q2, फ्रॉम कहां से? इन्फिनिटी टू पॉइंट, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। कैसे लाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करेगा? एक्सटर्नल फोर्स करेगा, ठीक है। अगेंस्ट, अब वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे वर्क करेगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स करेगा, जो कि पोटेंशियल का डेफिनेशन। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स या अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके द्वारा जो फोर्स होगा, हम किस चार्ज को ला रहे हैं? Q2 को। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं? अब देखिए, जब Q2 को ला रहे हैं तो Q1 वहां पे इफेक्टिव है, मतलब Q1 का पोटेंशियल यहां पे है। तो Q2 इंटू वी ए, किसका पोटेंशियल? ए का पोटेंशियल, भी Q1 कह सकते हैं इसका पोटेंशियल। तो यानी कि Q2 इंटू हम लिख सकते हैं भी किसके द्वारा? Q1 का पोटेंशियल। समझ में आ रहा होगा? अब Q1 का पोटेंशियल कितना है? Q2 इंटू के Q1 अपॉन R, यही डिस्टेंस है R। यानी कि इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, कोई दिक्कत? अब इस सेपर इस सिस्टम को यहाँ पर असेंबल करने में आपसे पूछा जाएगा, इस सिस्टम को यहाँ पर असेंबल करना मतलब फॉर्म करने में, इस सिस्टम को ये शेप देने में कितना वर्क डन करना पड़ा? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अब आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में। आप देखिए, सिस्टम को हमने असेंबल किया, इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा वही इसका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्या आपको समझ में आ गई बात? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, यहां तक कोई दिक्कत? यही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कितना सिंपल है, यही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये बात समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। आपने दो चार्जेज को तो लाना सीख लिया, कि दो चार्जेज को आपने लाया। अब इमेजिन कीजिए कि हम यहां से तीसरा चार्ज लेकर के आते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम यहां से तीसरा चार्ज लेकर के आए तो क्या होगा? ठीक है, चलिए इस बात को भी समझते हैं। तीसरा चार्ज हमने R3 लाया, Q3 लाया, सॉरी। अब लिख लिए होंगे यहां तक, आपको पोटेंशियल डिफाइन हो गया। अब आगे बता रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर हम तीसरा चार्ज लाते हैं तो क्या होगा?
थोड़ा सा सोचिए, जब हम तीसरा चार्ज यहां से लाएंगे तो उस समय इसका भी पोटेंशियल इफेक्टिव होगा इस पर, इसका भी पोटेंशियल इफेक्टिव होगा इस पर, दोनों का होगा। तो तीसरा चार्ज लाने में हमको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अब इस चार्ज को लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम इस चार्ज को लाते होंगे उस समय इसका भी फोर्स और इसका भी फोर्स, दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव होंगे। तो इस चार्ज को लाने में ज़्यादा हमको वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा इसको देख लेते हैं। फर्स्ट चार्ज को करने में जीरो लगा, सेकंड चार्ज को करने में ये लगा जो इसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब तीन चार्ज को लाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस चार्ज को लाने में मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये, ठीक है। इस Q3 पर लाना है तो Q3 पर लाने के लिए इस पॉइंट पर किस चार्ज को ला रहे हैं हम, क्या ला रहे हैं, Q3 चार्ज को ला रहे हैं। तो हम लिखते हैं WQ3 लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, जिस चार्ज को ला रहे हैं उसको लिखिए मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तब कहिएगा सर ये चार्ज ले लेंगे हम और यहाँ से आप डिस्टेंस बता दीजिए क्या है, तो यहाँ से डिस्टेंस को हम दे देते हैं। अगर बात कीजिएगा तो इसको कह सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस आप दे दीजिए इसका, सपोज कीजिए इसका डिस्टेंस हमने दे दिया, वो आर दिए थे, इसका आर वन दे दिए, सपोज कीजिए आर वन दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसा कीजिए ना, इसके इसके डिस्टेंस को हम देते हैं आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है, आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है। तो क्यू थ्री आर थ्री माइनस आर वन हो गया, तो यानी कि Q3 इसका चार्ज हो गया और इसके बीच का यहाँ पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल Q3 थ्री इंटू के क्यू वन बटे आर थ्री, आर थ्री माइनस आर वन को आर थ्री वन लिख देते हैं, कोई दिक्कत, सॉरी आर वन थ्री लिख दीजिए, ठीक है। मतलब पहले लिख दिए वन से थ्री तक गए, ठीक है, दूसरा प्लस हो जाएगा। अब इसकी वजह से पोटेंशियल, हमने आर थ्री माइनस आर वन को आर वन थ्री लिखा है, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चार्ज, अब इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो सबसे पहले इस क्यू क्यू थ्री को रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, दिख रहा है क्यू थ्री इंटू, अब इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, मतलब आर थ्री माइनस आर टू, आर थ्री माइनस आर टू होगा ना, आर थ्री माइनस आर आर टू को क्या लिखेंगे इस, अब क्यू टू चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू टू अपॉन आर थ्री टू, तो क्या हो जाएगा, क्यू थ्री को कॉमन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा के क्यू वन आर वन थ्री प्लस के क्यू टू, के भी कॉमन हो जाएगा ना, हाँ के भी कॉमन हो जाएगा, चलिए इस तरह ही लिख दीजिए आर वन थ्री, इसको भी इसी तरह लिखिए आर टू थ्री। हमने आर आर टू थ्री लिखा है किसको, आप कहिएगा सर आर थ्री माइनस आर वन को आर टू थ्री लिखा, ज़्यादा इसमें आप फंसिए नहीं, सिंपल बता देते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था तब ने इसे लिखा। आप सिंपल सा इस जो चार्जेज लेना है जहाँ पर पोटेंशियल लेंगे उसका डिस्टेंस लेना है, आपको दिया रहेगा डिस्टेंस, समझ मारा है, तो ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको, आर थ्री और आर वन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इस दोनों का डिस्टेंस लेना है, समझ गए, इस दोनों के बीच का, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाले तो इसका डिस्टेंस लिए, बस सवाल करवाएंगे आपका क्लियर हो जाएगा। मेनली है आप यहाँ पर देखें तो तीन चार्ज को लाने के लिए, तीसरा चार्ज को लाने के लिए यहाँ पर यह करना पड़ा। नेट पोटेंशियल की बात होगी तो हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, बात क्लियर है, तब हम तीन चार्ज को लाने पे जो पोटेंशियल होगा वो निकल जाएगा, समझ मारा है। तो आपको दो चार्ज के लिए, जब आपको कहीं ड्राइव करने के लिए एग्जाम में आया तो इस तरह आप दो चार्ज पे कर सकते हैं,
हमने तीसरा चार्ज ला करके बताया कि क्या होगा, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं उसको देख लिए। चलिए मिटा देते हैं। अब टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा तीनों चार्ज को लाने में, इस मतलब इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये पूछ लिया। तो देखिए सिंपल सा क्या करना है, पहला चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगा उसको U1 दे देते हैं, दूसरा चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगा उसको U2 दे देते हैं, तीसरा चार्ज को करने में जो वर्क डन लगा उसको U3 दे देते हैं, ठीक है। समझ मारा, डायरेक्ट W को U के ही टर्म में हमने लिख दिया, तो इसके देख के जीरो हो जाएगा। दूसरे चार्ज को हम क्या, आप W1, W2, W3 भी लिख सकते हैं, वही क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन को ही आप क्या लिखिएगा, U लिखिएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो U पहला चार्ज को लाने में जीरो, दूसरा चार्ज को लाने में आप खुद सोचिए क्या होगा, K, दूसरा चार्ज को ला रहे हैं तो Q2 मल्टीप्लाई हो जाए, इस चार्ज को ला रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, और जो चार्ज पहले से है उसका पोटेंशियल, और जिस पॉइंट पे वो रखा हुआ है, सपोज कीजिए अब हम R पॉइंट ही लेते हैं, ठीक है। चलिए R पॉइंट को हमने लिखा है, क्या लिखा है, R पॉइंट को लिखा है R12 माइनस R1 को, ठीक है। R12 यहाँ तक क्लियर। दूसरा चार्ज भी ला लिए, तीसरा चार्ज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, Q3। तीसरा चार्ज को लाने में देखिए क्या वर्क डन करना पड़ा है, K Q1 R13 प्लस K Q2 R23, समझ गए। यानी कि अगर यहाँ से K कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाय R12 प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q3 R13 प्लस Q2 इंटू Q3 R23 हो जाएगा। ये तीसरा चार्ज को लाने में ये वर्क डन करना पड़ेगा, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है, चलिए मिटा दें इसको। उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो सवाल करके दिखाइए। चलिए मिटा दें। चलिए सवाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको जब भी एग्ज़ाम में ड्राइव करने के लिए आएगा दो चार्ज से ही आएगा, दो चार्ज के लिए तो आपको पहले हम बता दिए, उसके बाद हमने तीसरा चार्ज लिया था। चलिए तो वहाँ तक आप ड्राइव, अगर तीसरा चार्ज भी आया तो आप समझ के कॉन्सेप्ट तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फर्स्ट चार्ज को लाना है, फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन जीरो होगा। सेकंड चार्ज को लाएंगे तो जिस चार्ज को लाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो चार्ज पहले से उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा चार्ज लाना है तो तीसरा चार्ज को लाएंगे तो जो चार्ज लाए उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, उस दोनों चार्ज के पोटेंशियल से, बस यही करना है। चलिए इसको सवाल के जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सवाल लीजिए, उसको ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले आपने जाना कि सिस्टम ऑफ यू इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, दो चार्ज को लाने के लिए पोटेंशियल ये था, कोई दिक्कत, के क्यू वन क्यू टू इंटू आर, ठीक है। अगर तीन चार्ज रहेगा तो इसके लिए पोटेंशियल आपने क्या पढ़ा, के क्यू वन Q2 into R होगा, उसके बीच का डिस्टेंस, उसके बाद फिर से अब Q2 Q3 लिखेंगे into R, ठीक है। तो इस तरह से होगा, मतलब जितना चार्ज रहेगा सब के वजह से पोटेंशियल हम निकाल के लिखेंगे। समझ आ रहा है, सबसे पहले दो चार्ज के लिए आपने पोटेंशियल ये लिखा के Q1 Q2 into R। एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद आपको आगे के सवाल और करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर 2 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम्ब चार्ज है। हालांकि एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर, तब आगे बढ़िएगा तब और मज़ा आएगा। अब देखिए Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा
ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब दोनों चार्जेज सेम होंगे, दोनों चार्जेज सेम होगा, क्यू वन क्यू टू ग्रेटर देन जीरो होगा, तब यू का वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक है जो है। अगर क्यू वन क्यू टू लेस देन जीरो होगा तब यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू वन क्यू टू। चलिए ये भी बात आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर मान गए समझ में नहीं आया तो आपको ये सब चीज़ पे सोचना नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, U इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू है बाय आर है, चार्ज को हमेशा विथ साइन रखना है, चार्ज कैप्ट विथ साइन, समझ में आ रहा है, ये सब भूल जाइए, चार्ज को क्या करना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए या फिर कहीं भी चार्ज को क्या करना है, जब पोटेंशियल निकालने की बात हो तो चार्ज को क्या रखना है, विथ साइन रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको डायरेक्शन से पता चल जाता है, वहाँ पे चार्ज का साइन नहीं रखते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दीजिएगा, बात प्लस है तो प्लस तो लिखते नहीं है, समझ में आ रहा है, इस ज़्यादा इसको ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल सा फंडा, चार्ज को क्या रखना है, विथ साइन रखना है, बात क्लियर। चलिए अब सवाल करते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मार्कर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मिल नहीं रहा है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं तब तक। चलिए एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 कूलम चार्ज लिए, ये 4 कूलम चार्ज है, इसके बीच का सेपरेशन ले लेते हैं 5 मीटर का, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टू मीटर लीजिए ऑफ द सिस्टम, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक है 1 कूलम चार्ज, यह है -3 कूलम चार्ज, 5 इस पे ले लीजिए 3 मीटर का, वही बात करना है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ द सिस्टम चलिए देखते हैं, इसके लिए आपने क्या किया, फार्मूला लगा दीजिए, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू वन, कितना सिंपल फार्मूला है, दोनों चार्ज को लीजिए उसके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, के का वैल्यू तो आपको पता है 9×10⁻⁹ होता है, के को आप 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, आपको पता है ना, ये सब मान के चल रहे हैं कि ये सारे जितना चीज़ हम कर रहे हैं कहाँ पर कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी और मीडियम में करेंगे तो आपको उसका वैल्यू रखना पड़ेगा, तो के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, ये चीज़ तो आपको पता है, और इसकी वैल्यू 9×10⁹ होता है, ये पता है, तो उसके बाद क्यू वन कितना है, क्यू वन 2 है, और ये क्या है 4 है, और डिस्टेंस इसके बीच का 2 है, दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, 36×10⁹ जूल हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा, तो मैंने इसको क्या कीजिएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर कीजिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 9×10⁻³ × 1×10⁻³, यही चीज़ मैंने बोला था, चार्ज को क्या रखना है, माइनस के साथ रख देना है जो है, और इसके बीच का डिस्टेंस, दिस एंड दिस कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 9×10⁹ माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इस तरह से आपको मैंने बताया कि चार्ज को कैसे लिखना है, विथ साइन लेना है। चलिए मिटा दें इसको, अब अगला सवाल देखते हैं,
मार्कर तो नहीं मिला, इसी मार्कर में इंक डालना पड़ेगा। आप लोगों को उम्मीद है कि क्लास समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो अच्छी बात है, क्लास को आप समझते हैं, तो सवाल को ट्राई कीजिए, बुक से, अच्छी बुक से सवाल बनाने की कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी से भी सवाल ट्राई कीजिए, बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर रहेगा। चलिए एक सवाल देखते हैं। मिटा दें। चलिए चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी पॉइंट है जिस पर हमें जो है इस पॉइंट पर Q1, Q2, Q3, ठीक है, Q1, Q2, Q3 चार्ज को लाकर के असेंबल करना है। लिखिए फाइंड वर्क डन फॉर असेंबलिंग द चार्ज Q1, Q2, Q3 एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। सवाल ट्राई कीजिए। हाँ, इसके बीच का डिस्टेंस दे देते हैं, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। सोच लिए। चलिए देखते हैं। अब सोचिए, सबसे पहले Q1 को ला करके यहाँ रखते हैं। क्या Q1 को ला करके रखने में इन्फिनिटी से कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 को लाने में क्या होगा, अगर वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन फॉर Q1 मतलब W1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। W1 कितना हो जाएगा, W1 लिख देते हैं तो हो जाएगा 0, का के फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा। सेकंड चार्ज को लाने में देखिए Q2 को ला रहे हैं अब, तो W2 लिखे। अब देखिए जब Q2 को लाएंगे तो इस समय ये तो है नहीं, तो Q2 को जब लाएंगे तो फर्स्ट चार्ज का वर्क डन Q2 को लाने में क्या होगा, ये चार्ज है इसका पोटेंशियल होगा, यानी कि Q2 को ला रहे हैं हम तो Q2 इंटू के Q1 इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे बाय क्या हो जाएगा 1, डिस्टेंस इस दोनों के बीच का, यानी कि के Q1 Q2 हो जाएगा। अब थर्ड चार्ज को लाने में क्या होगा, अब दोनों चार्ज असेंबल हो गया आकर के, अब तीसरा चार्ज लाना है तो तीसरा चार्ज को लाने के लिए तीसरा चार्ज Q3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वजह से इस जगह पे पोटेंशियल का एक तीसरा चार्ज यहाँ पर Q3 ला रहे हैं, Q3 Q2 हमने ला लिया, Q3 पर इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, के Q1 अपॉन इसका डिस्टेंस प्लस फिर से Q3 इंटू, अब Q3 को लाया तो इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा के Q2 अपॉन 1, यानी कि Q3 कॉमन हो जाएगा के Q1 प्लस के Q2। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब W1, W2, W3 तीनों निकल गया तो नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, U इक्वल टू कह सकते हैं U1 U2 प्लस U1 प्लस U2 प्लस U3 कहिए, या फिर W1, W2, W3 कहिए। तो W1, W2, W3 तो W1 तो क्या है 0 है, W2 क्या है, W2 है K Q1 Q2, W3 क्या है
के Q1 Q3 इसको खोल के लिखा हमने के Q2 Q3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहां से के कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3 ठीक है। मतलब आपको इस तरह से संभल करना है, पोटेंशियल एनर्जी आपका निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ पर? Q1 Q3 Q2 Q3 ठीक है, मिटा दें, सवाल सिंपल लग रहा है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अब सोचिए अगर यहाँ पर हमने Q2 चार्ज फिर से इंसर्ट करने की कोशिश की, ठीक है, इतना सिस्टम बन गया है। अब हम सोचते हैं कि इस पे Q2 चार्ज को असेंबल करने की कोशिश की है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हटा दें इसको। देखिए सिखा रहा है कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना, मिटा दें। चलिए अब सपोज कीजिए Q0 चार्ज है, उसको यहां पे असेंबल करना है, तो Q0 चार्ज को असेंबल करना है तो कहिएगा सर हमको डिस्टेंस भी तो चाहिए यहां से, चलिए डिस्टेंस भी दे देते हैं। देखिए हम सवाल सिखा रहे हैं, ठीक है, हम कोई डाटा सोच के नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर भी सिखाने के लिए हम डिस्टेंस को दे दिए Q0 को 111 ही, ठीक है, समझ मारा, हमने यहाँ पर भी 111 ही, मेरा मकसद है सवाल को सिखाना, ठीक है, डिस्टेंस कुछ और होगा तो यहाँ पर भी हम 111 ले लिए, ठीक है, सपोज कर लिए ताकि आपको समझा पाए कॉन्सेप्ट, हम आसानी से कैलकुलेशन भी जी हो आप समझ भी पाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब जब Q3 को ला रहे हैं, Q0 को अब ला रहे हैं, बताइए वर्कडन Q0 को लाने में कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें चाहे वर्कडन की बात करें। अब जब हम Q0 को लाएंगे, ठीक है, समझ मारा, 111 नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छा लगे तो RRR ही इस बार ले लेते हैं, चलिए डिस्टेंस को, कोई दिक्कत? डिस्टेंस सिर्फ लेना है, खाली यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, बस बात खत्म, समझाने के लिए। अब देखिए जब Q0 चार्ज को यहाँ पर लाइएगा तो क्या होगा, इस जगह पर इसकी वजह से पोटेंशियल, इस जगह पर इसकी वजह से पोटेंशियल, इस जगह पर इसकी वजह से पोटेंशियल, सिंपल सा आप क्या कर दीजिए, Q0 इंटू इस जगह पर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए के Q1 अपॉन आर इसके बीच का डिस्टेंस, प्लस इस जगह से इसकी वजह से के Q2 अपॉन आर, हमने Q3 Q0 सब में मल्टीप्लाई होता, हमने Q0 पहले कॉमन ले लिया, ठीक है, अब हो जाएगा के Q3 इस जगह पर इसकी वजह से पोटेंशियल, हम लिखते तो अलग अलग करके लिखते, तो Q0 इंटू ये लिखते, Q0 इंटू ये लिखते, Q0 इंटू ये, अब देखिए के Q0 बाय आर कॉमन है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के Q0 बाय आर क्या है, कॉमन है, समझ में आ रहा है कैसे पोटेंशियल असेंबल किए। इफ Q0 चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन एट पॉइंट ओ, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC, ठीक है, तो वहां पर हमने निकाला, चलिए मिटा दें इसको, अगला सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं,
चलिए एक और सवाल सॉल्व कीजिए। ए बी सी है, यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पे टू क्यू है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, कोई दिक्कत? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, उस क्यू का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ छोटे क्यू पे फॉर विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का क्या है? जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू फॉर विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। तो क्या करना है? यानी कि नेट पोटेंशियल जीरो है। आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अब ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपल सा आप समझिए क्या करना है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले कितने पेयर्स बनने हैं चार्ज के? एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ। तो पहले पेयर्स निकालिएगा तो के दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू इंटू टू क्यू अपॉन वन डिस्टेंस, कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट के इस दोनों चार्ज के बीच, आपको पता है ना दो चार्ज के बीच पोटेंशियल निकालने क्या करते हैं? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर करते हैं। बस ये लगाते जाइए, दो चार्ज का पेयर लीजिए, उसके बीच का डिस्टेंस दीजिए के, अब क्या हो जाएगा? क्यू इंटू टू क्यू लिए, अब इस दोनों चार्जेज का बीच निकालना है तो क्यू इंटू टू क्यू इंटू, यहाँ पर चार्ज क्यू है, बड़ा चार्ज है, 22 के बीच का डिस्टेंस प्लस, अब यहाँ पर देखिए के, अब इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लेते हैं, के इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस हमेशा सिस्टम ऑफ दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस और दोनों चार्ज पता है और उसके उसको क्या करना है? के से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1/4π ε0 से मल्टीप्लाई कर देना नीचे डिस्टेंस, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए अब क्या करना है, इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहा तो जीरो कर दीजिए। अब देखिए सब 1 1 1 नीचे है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कीजिए आप ऊपर देखिए तो सब में के इंटू क्यू हमको लगता है कॉमन आ जाएगा। देखिए तो के इंटू यहाँ पर बचा 2q, यहाँ पर बचा 2q और यहाँ पर बचा क्यू, बचा ना, यही बचेगा शायद। देखिए ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये, तो इसको जीरो कर दीजिए, 2q + 2q + q इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3q, यानी कि क्यू का वैल्यू निकालना है तो -2q/3 आएगा। क्यू का वैल्यू क्या आएगा? -2q/3। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कौन सा फार्मूला लगाना है? हमेशा कितना भी सिस्टम आए के दो दो चार्जेज को लेना है और उसके बीच का डिस्टेंस लेना है और ये फार्मूला अप्लाई कर देना है और जोड़ते जाना है सबको, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल देखिए, अच्छा सवाल, सेम सवाल ही लेते हैं ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा। ए इस पर ले लेते हैं -2q चार्ज, इस पर ले लेते हैं
फोर क्यू चार्ज इस पे ले लेते हैं माइनस सिक्स क्यू चार्ज, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस ले लिए टू मीटर, टू मीटर, टू मीटर, ठीक है, समझ गए। तो इसको हटा दीजिए, यहां पर लिखिए Q, ठीक है। अब निकालिए फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू एंड क्यू फॉर विच फॉर विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम इज जीरो। ट्राई कीजिए इसको भी, क्या करना है, सेम फंडा लगाना है। सबसे पहले इसका के इंटू ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, चार दुनी आठ क्यू स्क्वायर माइनस में बाय टू डिस्टेंस भी है ना, सॉरी तो डिस्टेंस हो जाए तो यहां प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह यहां पे देना पड़ेगा, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। प्लस इस दोनों के बीच देखिए हो जाएगा k इंटू फोर क्यू क्यू हो जाएगा अपॉन इस दोनों के बीच का डिस्टेंस टू हो जाएगा, प्लस इस दोनों के बीच आ जाइए तो माइनस का ही चिन्ह दे देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि टू k तो लेना ही है q आ q, ठीक है, यही होगा बाय टू। कोई दिक्कत यहाँ पर, इसको चार दूनी आठ, दो चौके आठ, ये कट गया ठीक है, दो दूनी चार भी कट गया, दो से दो कट गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम जीरो है, यानी कि अब यहाँ से देखिए कॉमन कुछ आ रहा है क्या, माइनस के क्यू कॉमन आ रहा है, अच्छा माइनस के क्यू ही चलिए कॉमन ले लिए तो कोई बात नहीं है, माइनस के क्यू कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा, वन बचा, वन बचा, नहीं वन नहीं बचा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर बचा चार क्यू बचा, क्या बचा ना चार, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर एक क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा दो चौके आठ कटा चार बचा, और यहाँ पर क्यू बचा, प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे टू क्यू के क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा टू क्यू, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या बचा, यानी पी के क्यू कॉमन लिया था यहाँ क्यू बचा, क्या और कुछ बचा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये इसको जीरो कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, फोर क्यू माइनस माइनस टू क्यू प्लस क्यू, क्या हो जाएगा माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फोर क्यू इज इक्वल टू क्यू, यानी कि क्यू एंड क्यू का रेशियो निकालना है क्यू इंटू क्यू बाय हो जाएगा वन बाय फोर का रेशियो हो जाएगा ना, क्यू इज टू क्यू इज क्या हो जाएगा वन बाय फोर, चेक कीजिए सही है कैलकुलेशन। अगला सवाल तब देते हैं,
चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, देख रहे हैं किस तरह से यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का और उसको। चलिए मिटा दें। चलिए अगला सवाल, एक और अच्छा सवाल है। ए बी सी ठीक है, इस पे यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, सॉरी यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन फॉर असेंबलिंग चार्ज क्यू नॉट एट सेंटर, सॉरी एट ओ। यहाँ पर हमको क्या करना है, क्यू नॉट चार्ज असेंबल करना है, इसके लिए क्या वर्क डन होगा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ए ए ए, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज असेंबल करना, ठीक है। सिंपल सा आपको क्यू नॉट चार्ज असेंबल करने के लिए क्या होगा, वर्क डन निकाल लेंगे, यानी कि यू इक्वल टू हो जाएगा, इस चार्ज को जब असेंबल करेंगे तो इसका पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए प्लस इसका पोटेंशियल क्यू नॉट से समय मल्टीप्लाई होगा ना, क्या क्यू नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन, ये हो जाएगा ए माइनस, इससे क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ए। आप अलग अलग भी लिखते तो क्या लिखते, के क्यू नॉट अपॉन ए लिखते, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए लिखते, के क्यू नॉट अपॉन ए लिखते, मतलब माइनस होता तो माइनस देते, मैंने क्यू नॉट कॉमन ले लिया, सबसे दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए इसका हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते थे, एक प्लस है एक माइनस है, इस दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैंसिल हो जाता, बचता क्या, इफेक्टिव पोटेंशियल यही होता जो क्या ही है के क्यू नॉट अपॉन ए, कोई दिक्कत। चलिए चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ आगे आएंगे, कुछ सवाल के साथ, और कुछ सवाल हैं और एक पोटेंशियल एनर्जी के और छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ हम कुछ सवाल लेकर के आएंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए और पीछे रिवाइज करते रहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीछे रिवाइज करते हैं तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आता है और आपको पढ़ने में भी मन लगता है, और दूसरी बात क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से बनते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर को जो मैंने बनाया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। तो कल और सवाल लेकर के हम आएंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, और उसको हम कल सॉल्व करेंगे, कल सवाल भी सॉल्व करेंगे, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो कल के वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें होंगी। तब तक के लिए अगेन बेस्ट ऑफ लक।